बादल सागर चे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले। क्लास फर्स्ट के प्यारे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट की इंग्लिश। कल हमने लास्ट टाइम जो है एक पैरा पढ़ा था आपकी फर्स्ट यूनिट का इंग्लिश में से पहला पैरा पढ़ा था। आज हमने सेकंड और लास्ट पैरा पढ़ना है। लिखा है बट नो वन केयर्स टू जॉइन द इन द गेम। लेकिन कोई भी परवाह नहीं करता है इन खेल कूद में हिस्सा लेने से। विद बॉयज हु बुली और कॉल अदर नेम्स। और उन बॉयज के साथ जो कि लड़ाई वगैरह करते हैं या एक दूसरे को और किसी नाम से पुकारते हैं। बुली होता है चिढ़ाना या किसी और या लड़ाई वगैरह करना। और वो इन बच्चों के साथ भी कोई नहीं खेलता है जो एक दूसरे नाम के साथ पुकारते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। और विद गर्ल्स हु क्राई एंड चीट या उन लड़कियों के साथ जो धोखा करती हैं और जो छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं उन वाली लड़कियों के साथ भी कोई भी नहीं खेलता है। बट ओनली विद द काइंड एंड स्वीट। लेकिन फिर कहता है कि लेकिन किन के साथ गेम्स खेलते हैं लड़के या लड़कियाँ या किन के साथ मज़ा आता है गेम्स खेलने में। तो लिखा है विद बट ओनली विद द काइंड एंड स्वीट। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मज़ा आता है खेलने में जो अच्छे होते हैं और जो प्यारे होते हैं, यानी जो लड़ाई नहीं करते हैं, किसी और नाम से नहीं पुकारते हैं या धोखा नहीं करते हैं या रोते नहीं हैं, तो उन लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता है। बट नो वन केयर्स टू जॉइन इन द गेम्स। लेकिन कोई भी गेम्स खेलने से मतलब पीछे नहीं हटता है, किसी को भी परवाह नहीं होती है। विद बॉयज़ हु बुली और कॉल अदर नेम्स और विद गर्ल्स हु क्राई एंड चीट। उन बच्चों के साथ जो लड़ाई वगैरह करते हैं, धोखा करते हैं, रोते हैं या लड़ाई करते हैं। बट ओनली विद द काइंड एंड स्वीट। सिर्फ उन्हीं के साथ जो अच्छे और मीठे होते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप मुझे इसको होमवर्क सेंड करेंगे। थैंक्स।